मैं मिथिलेश पांडे, मिथिलेश पांडे क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% मार्क्स से ज़्यादा कैसे आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में मोर देन 90% मार्क को अचीव करना है, तो निश्चित तौर पर आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो काफ़ी बेहतर करना पड़ेगा और हमको इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के हम अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको 15 टिप्स बताएंगे जिसका आप यूज़ करके आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा टिप्स है, अपना लक्ष्य का निर्धारण करें। चूँकि हमको अगर मोर देन 90% नंबर लाना है, तो सबसे पहले हमको इस बार बार हमको अपने दिमाग में फोकस करना है कि हमको इतने परसेंट नंबर लाने हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे और बार बीच बीच में इसको इवेल्युएट करेंगे, क्या हम अपने मोर देन 90% नंबर लाने के लिए क्या हम उसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हम एक बार लक्ष्य को निर्धारण करने से, मतलब पहला जो ज़रूरी काम है कि हम अपना टारगेट एक तरह से फिक्स करें। ये टारगेट ही हमको काम करने में हमारी मदद करता है। जब तक हम अपना कोई टारगेट नहीं बनाएंगे, जब तक हम लक्ष्यहीन रहेंगे, तब तक हम उसको अचीव करने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। तो जो हमारा पहला जो हमारा टारगेट है कि लक्ष्य बनाएँ और लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करें। दूसरा जो हमारा टिप्स है, सभी सब्जेक्ट के स्टडी का टाइम टेबल बनाएं और उसे अमल में लाएं। चूँकि हमको नंबर सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा लाना पड़ेगा, तभी हमारा जो टोटल एग्रीगेट मार्क जो है हमारा मोर देन 90% होगा। तो इसमें हमको सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, मोर देन जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, उन प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए हम कितना समय देंगे। अगर कोई सब्जेक्ट आपका कोई बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया उसमें जानकारी है, तो उसका आप टाइम टेबल में समय को घटा सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उसमें आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। और साथ में केवल टाइम टेबल बनाने से ही हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, उसको अमल में लाना, मतलब इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो एक बार आप टाइम टेबल बना दें, तो कोशिश करें कि उसका 100% पालन करने की कोशिश करें। अगला जो हमारा टिप्स है, हमेशा सकारात्मक सोचें। क्योंकि हमारा सकारात्मक सोच में बहुत बड़ी पावर होती है और कभी कभार ऐसे भी होते हैं हमारे दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं। कुछ विचार हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव विचारों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि हमेशा, हाँ इस बार मैं मोर देन 90% लाना है, मैं इस तरह की कोशिश कर रहा हूँ और इस बार ला के ही रहूँगा। तो हमारे सकारात्मक सोचने से हमारे कार्य करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगला जो हमारा टिप्स है, समय बर्बाद न करें। क्योंकि इस धरती पे अगर कोई सबसे मूल्यवान चीज़ है, तो हमारा समय है। क्योंकि समय एक बार जो बीत गया, वो हमको वापस मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अगर आप अपना समय बर्बाद करते हैं, तो उस समय को कटौती करके आप उस समय को अपने स्टडी में लगाएं। अगला जो हमारा टिप्स है, किसी विषय के किसी भी टॉपिक को समझें और उसे रटने की कोशिश ना करें। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को समझें कि ये टॉपिक हमारा क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, क्या चीज़ बताना चाहता है, उसके बारे में सोचें, ना कि उसको रटें। रटने से हम मोर देन 90% की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक हम किसी टॉपिक को समझेंगे नहीं कि इस टॉपिक हमको क्या जानकारी, क्या बताना चाहता है, तो हम टॉपिक को समझने की कोशिश करें और उसको रटने की कोशिश ना करें। अगला जो हमारा टिप्स, अपनी कक्षाओं में ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, उनको कक्षाओं में टीचर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते समय आप अपने दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट रखें। क्योंकि जो टीचर के पास जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो जो भी किताब की लिखी हुई चीज़ों को आसानी से बताते हैं। अगर उस समय अगर आप अपने दिमाग को केंद्रित रखते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं, तो निश्चित तौर पर आप काफ़ी हद तक तैयारी आपके क्लास में ही हो जाती है। अगला जो हमारा टिप्स है, लगातार लंबे समय तक ना पढ़ के बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लगातार 4 घंटे 3 घंटे आप लगातार पढ़ें। कोशिश करें कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद निश्चित ही कुछ समय आप ब्रेक लें। ब्रेक लें मतलब बीच में अपने जो हमारा दिमाग है उसको टहल घूम लें, जिससे हमारा दिमाग थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, और फिर पढ़ाई शुरुआत करें, जिससे हमारा आउटपुट बेहतर आता है। अगला जो हमारा टिप्स है, लिखने का अभ्यास करें। क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी हमको नंबर अचीव करना होता है, वो हमको अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को, अपने विचार को लिख के व्यक्त करना होता है।
कभी कभार ऐसा होता है कि समय अभाव की कमी में हम क्वेश्चन को जानते हुए उसको लिख नहीं पाते हैं, तो आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम से पहले कुछ किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लिख के अभ्यास करें। एक तो उस प्रश्न का उत्तर भी याद हो जाएगा और आपके लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। जो अगला हमारा टिप्स है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। चूँकि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो पेपर में कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और हमको जो समय होता है सामान्यतः 3 घंटे के ही अंतर्गत हमको पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, तो हमको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है कि हम उतने दिए गए समय के अंदर प्रत्येक प्रश्न का प्रॉपर उत्तर लिख पाएँ और निश्चित समय में हम उस लक्ष्य को अचीव कर लें। और बीच बीच में हमारे जो टाइम मैनेजमेंट जो हमने बना रखा है उसका भी बीच बीच में हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने टारगेट को इस दिए गए समय में लिख के पूरा कर लेंगे। अगला जो हमारा टिप्स है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए संक्षिप्त नोट बनाएं। क्योंकि जब भी आप एक बार पहली बार जब किसी भी आप चैप्टर को किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है तो उसको आप अपने हिसाब से उसका संक्षिप्त नोट बनाएं। संक्षिप्त नोट बनाने से ही फायदा होता है कि एग्जाम के टाइम में आप बहुत बड़े कोर्स को आप बहुत जल्दी फास्ट उसको जो है आप रिवीजन कर पाते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स आप प्राप्त कर पाएं। अगला जो हमारा टिप्स है, सवेरे जल्दी जगें और पढ़ें। चूँकि जब हम सवेरे जगते हैं तो उस समय हमारा काफ़ी जो दिमाग होता है काफ़ी रिफ्रेश होता है और जो भी चीज़ हम या तो पढ़ते हैं या याद करते हैं वो हमारे दिमाग में काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। अगला जो हमारा टिप्स है, मित्रों के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन करें। किसी मित्रों के साथ गपशप करने से बेहतर है कि अगर कोई टॉपिक अगर हमको समझ में नहीं आता या किसी टॉपिक पे अगर हमको डाउट है तो हम अपने मित्रों से उस टॉपिक पर डिस्कशन करें कि इस जो हमारा टॉपिक है इसका सही जवाब क्या होगा, तो जिससे हम अपना प्रिपरेशन भी डिस्कशन से कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क ला सकते हैं। अगला जो हमारा टिप्स है, पर्याप्त मात्रा में भोजन और कम से कम 6 घंटे का नींद अवश्य है। क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम पर्याप्त मात्रा में भोजन लें और कम से कम तैयारी में ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल हम पढ़ते रहें, कम से कम 6 घंटे की नींद जो है आवश्यक है, तो आप 6 घंटे का नींद कम से कम अवश्य लें। अगला जो हमारा टिप्स, अपने गुरुजनों और सीनियरों से सुझाव लें। किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट है तो अपने टीचर से और अपने जो सीनियर हैं उनसे सुझाव लें कि इस टॉपिक का सही जवाब क्या होगा, और अपने जो भी डाउट है उसको क्लियर करें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क ला पाएँ। जो लास्ट में हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट समाप्त होने के बाद सैंपल पेपर या पूर्व वर्ष के पेपर्स को सॉल्व करें। क्योंकि मार्केट में पेपर और सैंपल पेपर अवेलेबल होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं कि आप उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर, जैसे कि सामान्यतः जो पेपर 3 घंटे के होते हैं, तो आप उनको अपने घर पर ही जो है कम से कम 3 घंटे का समय दे के आप सारे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें और ख़ुद भी अपने आप को इवेलुएट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इन जो हमारे 15 टिप्स जो हमने बताए हैं, अगर इनका आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।